Hello everyone, I am Chef Rekha Pandit from Indore. Welcome to my channel Art of Cooking. अगर अभी भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें और उसके पास का बेल बटन जरूर दबाएं। आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। आपको मेरी चीजें कैसे लगती हैं, कैसे बन रही हैं वो जरूर बताएं और उसकी फोटो खींच के डालें कि वो आपसे किस तरह से बनी। बेस्ट ऑफ वेस्ट, मैं उससे कुछ चीजें बनानी बता रही हूँ और उसमें मैंने कई चीजें अभी बताई भी थी, रोटी के पास्ता, रोटी के नूडल्स। आज मैंने अचार बनाया था घर में, तो अचार का मेरे पास कई सारी गुठलियां बची हैं। पहले तो मैं गुठली को सुखा के धूप में और उसको दाल में डालने के लिए रख लेती थी, लेकिन बारिशें आते ही वो गुठली खराब हो जाती है और उसमें कीड़े हो जाते थे। तो इस बार मैंने सोचा है कि गुठली को फ्रीजर में रख दो और दाल में डालते रहो। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आज बता रही हूँ कि उससे हम पना बना सकते हैं जब चाहें। तो मैंने क्या किया, एक पॉलिथीन में डाल के इन गुठलियों को फ्रीजर में रख रखा है, देखिए, और फ्रीजर से अभी निकाला है। गुठली क्या है मैं आपको बताती हूँ। कच्चा आम, ये हमारे पास कच्चा आम है, हमारे घर में लगे हुए हैं पेड़ में और इस तरह गिर के टूटते हैं, तो हम लोग ने यही कच्चा आम लिया है और इस आम को मैं छील रही हूँ। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि मैंने किस टाइप का आम लिया है, है ना। तो मैंने इस आम को छीला है और छील के मैंने, देखिए, आम को छीला है और उसके ऊपर का ये जो चीजें हैं ये मैंने अचार के काम में ले ली हैं, है ना। अमचूर सुखाने के लिए ले लिया है मैंने ये। तो ये जो गुठलियां मेरे पास बच गई है, देखिए, ये गुठली ये हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट होती है। अगर इस गुठली से हम कैरी का पानी, कैरी का पना बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए मैं बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कुकर गरम रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। कुकर में हमने पानी डाल दिया और अब इसके अंदर मैं ये गुठली जो मैंने फ्रीजर में रख रखी है निकाल के उनको इसमें डाल रही हूँ। ये हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, इसे हम लोग फेंक देते हैं। फेंकना नहीं, इसे निकाल के हम दाल में भी डाल सकते हैं और इसको हम पना भी बना सकते हैं, है ना। तो मैंने इसको इसमें डाला है और इसके बाद कुकर को बंद कर दूंगी, ढक्कन बंद कर दूंगी, एक विसल लूंगी और जब ये विसल आ जाएगी एक विसल, उसके बाद ठंडा करके इसका मसल के मैं पना बनाऊंगी। हमने कुकर बंद कर दिया है, इसमें विसल लगा दी है और इसमें जैसे ही विसल आएगी या तो हम इसे सिम पर पकाएंगे थोड़ी देर या दो तीन विसल मिलेंगे। और इस तरह से जब इसमें विसल आ जाएगी कुकर ठंडा करेंगे और उसके बाद मसल के ये सारी गुठली का हम पना बनाएंगे ठंडा होने के बाद। कैरी का पना हमने जो बची हुई हमारे पास गुठली थी उससे हम बना रहे हैं और उसको हमने उबाल के रखा है। देखिए, हमने कुकर में इसको उबाला था और इस तरह से ये बॉईल हो गया है, देखिए, है ना। और इसके बाद हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसके लिए वो बता रही हूँ। हमें लगेगी शक्कर यानी कि चीनी, हाफ कप हम चीनी लेंगे, आवश्यकता के अनुसार उसे यूज करेंगे। हमें भुना हुआ जीरा चाहिए, हमने जीरा को भून के पीस के रखा हुआ है एक टीस्पून, और हाफ टी स्पून काला नमक लगेगा और एक टीस्पून हमें सफेद नमक लगेगा। अगर जरूरत, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं एक बाउल में चीनी डाल रही हूँ और मैंने चीनी थोड़ी सी अभी भी रख ली है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चीनी नहीं खाते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने ये डाला है। अब इसके ऊपर से मैं ये गुठलियां डाल दे रही हूं ताकि ये इसमें आ जाए और ऊपर से पानी डाल डाल के मैं हर गुठली को ऐसे धोऊंगी ताकि इसके ऊपर की जो खटाई है वो हमें
मिलती जाए और पानी भी ठंडा हो जाएगा नीचे। ऐसे में सारी गुठली को इस तरह से धो के साफ कर लूंगी और ये पानी जो है नीचे अच्छा आ जाएगा और कैरी यहाँ पे छन भी जाएगा कैरी का पानी। इस तरह से हमने ये कैरी को छान के इसका पानी निकाल लिया। एक टिश्यू से पहले मैं अपना हैंड पोछ लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको आगे आपको बताते हैं। देखिए अब इसको मैं इसमें छोड़ूंगी ताकि शक्कर जो है वो गल जाए। थोड़ा सा पानी हल्का सा गर्म ही था और इसमें मैं ऐड करूंगी एक टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक और एक टीस्पून भुना जीरा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लिटिल क्वांटिटी पेपर पाउडर और ये मीठा पना हमारे यहाँ अक्सर बनता है। इस पने में कई वेरिएशन है। अगर आपको ऐसा मीठा पना जीरे वाला बनाना है तो बना लें। आप चाहे इसमें कुछ मत डालें, सिर्फ इलायची से बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। आप चाहे इसे केसर से बनाएं, उसमें सिर्फ केसर डालें और शक्कर डालें और कुछ भी ना डालें, बहुत अच्छा लगता है वो भी। और पुदीना और हरा धनिया हरी मिर्ची पीस के मसाला पना भी बना सकते हैं। कैरी का पना जो है तैयार हो गया है। कई लोग कैरी का पना बहुत गाढ़ा बनाते हैं, हम लोग इतना गाढ़ा नहीं बनाते हैं। और देखिए इसमें हम पहले आइस डाल देते हैं ताकि अच्छा चिल्ड हो जाएगा। जब हम घर के लिए रोज बनाते हैं तो आइस इसी में डाल के रख देते हैं। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे मिंट की लीफ, जो कि बहुत ही बढ़िया ये कैरी का पना वेस्ट से बना है। सबसे बड़ी बात, जो हमने ये पना बनाया है वो पना बना है कि बची हुई कैरी की गुठलियों से। जब हम अचार बनाते हैं, लौंजी बनाते हैं, तो जो गुठलियां बच जाती हैं उसे हम यूं ही फेंक देते हैं, है ना, वेस्ट समझते हैं। लेकिन हम ये जो है, ये जो कैरी का पना बन के तैयार हुआ है बहुत ही स्वाद है। और दूसरी बात, इसमें शक्कर कम डलती है क्योंकि हम पूरी कैरी से नहीं बनाते, बची हुई कैरी की जो गुठलियां थी उससे हमने बनाया है। और उन गुठलियों को जब भी बच जाती है, संभाल के आप एक पॉलिथिन में डाल के फ्रीजर में रखें या एक डिब्बे में डाल के फ्रीजर में रखें, जब जरूरत लगे उससे आप कैरी का पना बना लें, कैरी की लौंजी बना लें या उसे हम दाल में भी डालकर सर्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है इसका एक वेस्ट का बेस्ट यूज।